ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ज्वाली सुनेहर व ठंगर फारिया लिंक रोड की लंबे समय से दयनीय हालत होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क पर वाहन चलाना तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। प्रदेश में चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या भाजपा की, आज तक इस सड़क की किसी ने सुध नहीं ली है। बुधवार को गाँव वासियों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने ठंगर चौक पर इकट्ठे होकर सड़क की खस्ता हालत पर सरकार व लोक निर्माण विभाग के प्रति रोष प्रकट किया। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के ज्वाली में संपर्क मार्गों की हालत बेहद खस्ता है। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ज्वाली सुनेहड़ और ढनठंगर फारियां लिंक रोड पर कोलतार नाम की कोई चीज नहीं दिखती। हर जगह गड्ढों का राज है और गड्ढों की गहराई भी काफी है, जिससे आए दिन वाहन चालक गिर कर चोटिल हो रहे हैं। लोग स्कूली बच्चों को कंधों पर उठाकर लाते हैं और वापस भी कंधों पर उठाकर ही घर लाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर स्कूल बसों का गुजरना बच्चों की जान जोखिम में डालने के समान है। लोगों का कहना है कि इस लिंक रोड के साथ 5-6 गांव लगते हैं, लेकिन सड़क की खस्ता हालत से लोगों को एम्बुलेंस सुविधा तक नहीं मिल पाती। जब भी कोई बीमार होता है तो उसको कंधों पर उठाकर मुख्य मार्ग तक लाते हैं, उसके बाद एम्बुलेंस सुविधा मिल पाती है। लोगों का कहना है कि पहले कांग्रेस सरकार के समय नीरज भारती ज्वाली के विधायक रहे, जिनका घर मार्ग से कुछ ही दूरी पर है, लेकिन उन्होंने भी इस मार्ग को दुरुस्त करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है और ज्वाली से भाजपा के विधायक अर्जुन सिंह है, लेकिन उन्होंने भी अभी तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मार्ग को बनाने के बाद लोक निर्माण विभाग ने भी इसकी शोध नहीं ली, जिस कारण इस सड़क मार्ग की हालत बेहद खस्ता हो गई है। तो ये जो रास्ता है, ये ढंग से सुनेर और ठंगर सभी को लिंक रोड हैं और इस रोड की कम से कम 3 या 4 सालों से यही हालत चल रही है। और हमारे लिए तो प्रशासन सो रहा है, कोई भी नहीं जाग रहा, क्योंकि इस रोड से जितने भी कोई ना तो ना नीचे कोई एम्बुलेंस आती है, किसी बीमार को हम ऊपर पहुँचा सकते हैं। और सेकेंडली यहाँ पर जितने भी कम से कम 10-11 बच्चों की गाड़ियाँ जो नीचे आती हैं, तो ये भी शायद कोई बड़ी से बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। छोटे छोटे एक्सीडेंट तो डेली के हैं यहाँ पे और उनकी तरफ तो किसी का ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन शायद ये भी नूरपुर जो बच्चों का हादसा हुआ था उसकी तरह ये भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा हादसा होगा तो शायद तभी ये इस तरफ ध्यान देंगे। हमने कई बार विभाग के जो अफसर भी आते हैं उनको भी अवगत करवाया, मगर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करते। वो स्थानीय विधायक भी पास के ही हैं, उनको सब पता है, मगर उन्होंने भी कभी हमारे तरफ नहीं दिखाया। रात दिन ट्रैक्टर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ट्रैक्टर चले रहते हैं, रेता बजरी और ये जहाँ मतलब ये पत्थर वगैरह लेने के लिए। और ये जो दरिया है, देर खड है, ये मलकीती है, वो दरिया गवर्नमेंट लैंड कम है इसमें, तो जहाँ हमारी ज़मीन भी ख़राब हो रही है। ये सड़क जो है ना, इसकी तो जो हालत 5-7 साल से खराब ही है, लेकिन दिन पर दिन खराब होती जा रही है। और जो भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आता है, पहले ज्वाइन करता है, तो उसकी यही पहली बात होती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, है जी, लेकिन करता कोई भी नहीं। तो हमारी तरफ से तो प्रशासन जो है वो टोटली फेल है। तकरीबन हुई है 2-2.5 साल तक बिल्कुल ही खराब हुई है। इस तो पहले थोड़े ठीक भी थे, विभाग की गलाई गलाई तो बनवाना रास्ता, ट्रैक्टर एक मिनट नहीं आराम करना, कारण कई बार असि इतो पत्थर वगैरह भी लगाए पे ना हो, थोड़ा पक्का हो गया रास्ता पर नहीं मनने, तो एक तो ट्रैक्टर भी बंद होना चाहिए। इस बारे में जब विभागीय अधिकारियों से पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। सिटी चैनल के लिए ज्वाली से दौलत चौहान की रिपोर्ट।